एवरीवन, कैसे हो सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो मैं आज और एक वीडियो के साथ आ गई हूँ, और अब मैं करने वाली हूँ आज बॉय कटिंग। तो आज मैं इसका बॉय कटिंग करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बॉय कटिंग किस तरह करते हैं और कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं इसके हेयर दिखा देती हूँ, कितने बड़े हैं कितने नहीं है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको इसका हेयर दिखाती हूँ। देख सकते हैं आरोही के बाल इतने बड़े हैं, पीछे से देखिए, देख सकते हो आप इसके बाल हैं, जिसकी मैं कटिंग करके इसको देने वाली हूँ एक बॉय कटिंग का। ऐसे मैंने इसका बाल कट किया था आज से ठीक 2 मंथ पहले, और अब इसका ग्रोथ हो गया है। तो यहाँ देख सकते हो ये बाल कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो कैसा लग रहा है तुम्हें बाल? अच्छा लग रहा है। कटिंग कर दी जाए? ओके, लड़का बना दिया जाए। तो इसको लड़का बनने का बहुत शौक है और इसको आज लड़का बना ही देते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैंने देसी जुगाड़ कर लिया है, जो हमारे जो पेड़ होते हैं उनमें पानी देने का मेरे पास नहीं था घर में, तो मैंने इससे दे रही हूँ आरू के बाल को थोड़ा बारे। हाँ, देख सकते हो यहाँ पे इससे अच्छा से बाल गीले हो जाएंगे। और हमें हेयर कटिंग करने से पहले बालों को गीला करना होता है। तो यहाँ पे मैं ये ले चुकी हूँ और इसके बाल कट करूंगी। वैसे काम मुझे पूरा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आजकल मैं घर पे ही रहती हूँ, काम छोड़ दिया है, मेरा खुद का पार्लर लगाने का सोच रही हूँ। तब तक मैं सोच रही हूँ कि घर में ही बच्चों के उतने बड़े बड़े बाल हो गए तो इनके कट कर देती हूँ। आप लोगों को क्या करना है, बालों को अच्छे से गीला कर लेना है, ठीक है, उसके बाद में हम बाल कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाल को पूरा गीला कर लिया है, और ये है सीजर और कॉम लेना है, और बड़े सिंपल तरीके से हेयर कटिंग करना है। यस, बात कर लो। पता नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, मैंने कॉम दूसरा ले लिया, इसलिए मैंने वीडियो बंद किया, क्योंकि वो कॉम मेरे को काम में नहीं आ रहा था इसीलिए। और आप लोग ऐसा कोई भी कमेंट मत करना मेरे बालों को रिलेटिव कि आप कब कटवाओगे, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी छोटे हैं। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, छोटे छोटे सेक्शन लेके और मुझे बाल कट करना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत से भी बहुत अच्छा, आप लोगों को भी अगर बाल कट करना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, अगर सीखना है तो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ। मुझे सारी हेयर कटिंग्स आते हैं, लेयर, फैदर, ग्रेजुएशन, मल्टी लेयर कट, बटरफ्लाई, सारी हेयर कटिंग्स आती हैं, स्टेप्स। तो आप लोगों को सीखना है तो मुझे कमेंट कर सकते हो और सीख सकते हो। और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी तो मैं काम भी नहीं कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वॉच टाइम मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोग अगर वीडियो मेरी बड़ी वीडियो देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा,
और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी। आप लोग समझ सकते हो, कुछ कुछ लोग मेरे बालों के रिलेटिव कमेंट करते हैं, दीदी आप कब कटवाओगे बाल, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि पहले मेरे बाल बड़े हो जाने दो, उसके बाद में कटवा लूँगी। ठीक है, ऐसा सेक्शन पकड़ना है, वैसे मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दूंगी, तो और कट कर देना है। तो यहाँ देख सकते हो मुझे ज़्यादा छोटे भी नहीं करने, ज़्यादा बड़े भी नहीं रखने हैं, तो जस्ट थोड़ा सा छोटा और करूँगी, पूरी नहीं रही, और बस फिर उसके बाद में क्या है उसका मस्त कटिंग आएगा। आप लोग भी घर बैठ के कर सकते हो और सीख भी सकते हो, सीखना है तो आप मुझे ज़रूर बोलिएगा, मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे वीडियो बना के हेयर कटिंग के डाला करूँगी, तो आप भी सीख सकते हो फेशियल्स और हेयर कटिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह भी मुझे आते हैं, तो आप ज़रूर पूछेगा शिदा। तो ये बैक साइड का हो गया, अभी हम फ्रंट का करने वाले हैं, तो आपको दिखाती हूँ। पता नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। ये मैंने कॉम दूसरा ले लिया, इसलिए मैंने वीडियो बंद किया, क्योंकि वो कॉम मेरे को काम में नहीं आ रहा था इसलिए। और आप लोग ऐसा कोई भी कमेंट मत करना मेरे बालों को रिलेटिव कि आप कब कटाओगे, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी छोटे हैं, तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से। छोटे छोटे सेक्शन लेके और मुझे बाल कट करना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत से भी बहुत अच्छा, आप लोगों को भी अगर बाल कट करना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, अगर सीखना है तो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ। मुझे सारी हेयर कटिंग्स आती हैं, लेयर, फैदर, ग्रेजुएशन, मल्टी लेयर कट, बटरफ्लाई, सारी हेयर कटिंग्स आती हैं, स्टेप्स, तो आप लोगों को सीखना है तो मुझे कमेंट कर सकते हो और सीख सकते हो। और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो मैं काम भी नहीं कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वॉच टाइम मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोग अगर वीडियो मेरे बड़े वीडियो देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी। आप लोग समझ सकते हो, कुछ कुछ लोग मेरे बालों के रिलेटिव कमेंट करते हैं, दीदी आप कब कटवाओगे बाल, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि पहले मेरे बाल बड़े हो जाने दो, उसके बाद में कटवा लूँगी। ठीक है, ऐसा सेक्शन पकड़ना है, वैसे मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दूंगी, तो और कट कर देना है। तो यहाँ देख सकते हो मुझे ज़्यादा छोटे भी नहीं करने, ज़्यादा बड़े भी नहीं रखने हैं, तो जस्ट थोड़ा सा छोटा और करूँगी, पूरी नहीं रही, और बस फिर उसके बाद में क्या है उसका मस्त कटिंग आएगा। आप लोग भी घर बैठ के कर सकते हो,
और सीख भी सकते हो, सीखना है तो आप मुझे जरूर बोलिएगा, मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे वीडियो बना के हेयर कटिंग के डाला करूँगी, तो आप भी सीख सकते हो। फेशियल्स और हेयर कटिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह भी मुझे आते हैं, तो आप जरूर पूछेगा। अच्छा तो ये बैक साइड का हो गया, अभी हम फ्रंट का करने वाले हैं, तो आपको दिखाती हूँ। और मुझे बाल कट करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत से भी बहुत अच्छा, आप लोगों को भी अगर बाल कट करना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, अगर सीखना है तो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ। मुझे सारी हेयर कटिंग्स आते हैं, लेयर, फैदर, ग्रेजुएशन, मल्टी लेयर कट, बटरफ्लाई, सारी हेयर कटिंग्स आती हैं, स्टेप्स। तो आप लोगों को सीखना है तो मुझे कमेंट कर सकते हो और सीख सकते हो। और मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो मैं काम भी नहीं कर रही हूँ, इसीलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वॉच टाइम मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप लोग अगर वीडियो मेरे बड़े वीडियो देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँगे, आप लोग समझ सकते हो। कुछ कुछ लोग मेरे बालों के रिलेटिव कमेंट करते हैं, दीदी आप कब कटवाओगे बाल, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि पहले मेरे बाल बड़े हो जाने दो, उसके बाद में कटवा लूँगी, ठीक है। ऐसा सेक्शन पकड़ना है, वैसे मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दूँगी तो, और कट कर देना है। तो यहाँ देख सकते हो मुझे ज़्यादा छोटे भी नहीं करने, ज़्यादा बड़े भी नहीं रखने हैं, तो जस्ट थोड़ा सा छोटा और करूँगी, पूरी नहीं रही, और बस फिर उसके बाद में क्या है उसका मस्त कटिंग आएगा। आप लोग भी घर बैठ के कर सकते हो और सीख भी सकते हो, सीखना है तो आप मुझे ज़रूर बोलिएगा, मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे वीडियो बना के हेयर कटिंग के डाला करूँगी, तो आप भी सीख सकते हो। फेशियल्स और हेयर कटिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह भी मुझे आते हैं, तो आप ज़रूर पूछेगा। अच्छा तो ये बैक साइड का हो गया, अभी हम फ्रंट का करने वाले हैं, तो आपको दिखाती हूँ ये फ्रंट कट। और यहाँ देख सकते हो मैं फ्रंट कट करने वाली हूँ, बैक कट हो चुका है। फ्रंट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, पार्टीशन बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको कितना लेंथ करना है छोटा वो कर सकते हो। और ऐसे उठाइए और कट कर दीजिए, सजने रे कैसे कटे ये दिन, कैसे कटे ये रात, ये आस पास वो सजने रे कैसे कटे ये दिन।
सेम यहाँ से गाइडलाइन लेंगे हम और यहाँ से देखेंगे कितना है, उसके अकॉर्डिंग इधर भी काट देंगे। गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बेबी कट करो, चाहे प्लेयर कट करो, चाहे बॉय कट करो, आप कोई भी कट करो, लेकिन गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके हेयर बिगड़ सकते हैं और हेयर बिगड़े तो क्लाइंट नाराज हो सकता है। नाराज क्या, फिर तो पूरा हमारा बिजनेस ही ठप हो सकता है ना, इसीलिए सोच और समझ के कीजिएगा। अब आपको साइड देख लेना है, कौन से साइड, वन साइड चाहिए और टू साइड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी मेरे को। तो यहाँ कान के पास में जब भी आप करते हो तो थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि कान कट सकता है, तो यहाँ साइड की हो सकती है, एक साइड की और करनी है बाकी। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सेम ऐसे यहाँ पे देखेंगे और ऐसा करेंगे, ये साइड की करना था, ये साइड में रखेंगे बाल, और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग ऐसा। वैसे आरू के बाल बहुत अच्छे हैं, जल्दी ग्रोथ हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे बाल हैं। सेम है, इधर से भी कटिंग कर लेते हैं।
थोड़े बाल को वेट करेंगे और उसके बाद में देखते हैं। तो ये है पिमर और इसको पीछे से फिनिशिंग दे देते हैं डाउन का। तो यहाँ देख सकते हो, आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ कटिंग हो चुकी है, देख लीजिए। देख लीजिए देख लीजिए, कटिंग हो गई है। कैसी लगी आप लोगों को कटिंग, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यहाँ देख सकते हो कटिंग हो गई है। इसको पूछते हो कैसी लगी कटिंग? सुपर्ब। यस यू लाइक इट? यस।